हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 साल के बच्चे के लिए स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेजरमेंट मैं इस तरह से आपको दे रही हूँ कि आप जितने बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहोगे उस हिसाब से बन जाएगी। तो नॉर्मली जैसे हम स्वेटर पे फंदे लेते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी स्कर्ट शुरू होगी, ये जो शुरू होती है हमारी ऊपर से हमारी शुरू होती हुई नीचे की साइड आएगी लेंथ, फिर आप उसी हिसाब से बना लोगे। अब आ गई मेजरमेंट की बात, तो मेजरमेंट किस तरह से किया जाएगा, जितनी आप स्वेटर पे फंदे लेते हो ना, क्योंकि कमर से स्टार्ट हो रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट है। जैसे 2 साल के बच्चे के लिए आप 80 फंदे लेते हो ना, तो यहाँ पे 80 फंदे लूँगी। थोड़ा और बड़ा साइज बनाते हो आप, 90 फंदे लेते हो, तो आप 90 फंदे, जितने स्वेटर पे आप फंदे लोगे उसी हिसाब से है। तो यहाँ पर मैं ये 80 फंदे ले रही हूँ 0 से 40 और 0 से 40। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगी, बॉर्डर बनाऊँगी। जैसे आप स्वेटर पे बॉर्डर बनाते हो वैसे ही, और बॉर्डर जैसा भी आपको बनाना है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने 80 फंदे ले लिए, 0 से 40 0 से 40। बॉर्डर आपको जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से बना लीजिए। मैं इस तरह से बना रही हूँ, 2 पे धागा रखना है, बिनना 1 है। तो इसी तरह से सारा बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से फंदे बिनती हुई चली आई हूँ। अब बॉर्डर बनाएंगे हम। अब ये जो बॉर्डर होता है, ये आपकी लास्टिक जो भी जितनी चौड़ी आपको डाली है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी चौड़ी लास्टिक है। तो मैं अपनी लास्टिक के हिसाब से जो यहाँ पे सलाइयाँ चलाऊँगी वो 24 सलाइयाँ चलाऊँगी। तो सबसे पहले तो आप निडल को आगे की साइड कर लीजिए इस तरह से। निडल आगे की साइड कर लिए। अब जिस पे आप बॉर्डर बनाते हो अपनी वूल के हिसाब से, आप उसी हिसाब से नंबर को सेट करोगे। तो ये 4 नंबर पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। आप जितनी चौड़ी जैसे मैंने लास्टिक बोला है उसी हिसाब से आप बॉर्डर बनाओगे। तो मेरी लास्टिक के हिसाब से मैं यहाँ पे 24 सलाइयाँ चलाऊँगी। ऐसे ही प्लेन प्लेन चलानी है आपको। अब ये मेरी 24 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम फंदे डालेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ किनारे से फंदा उठाओगे, आप इसमें डालोगे, फिर दूसरे किनारे से तो फंदा डाल दोगे। इससे ये होता है कि बैलेंस होके आ जाता है आपका। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैं ये वाला जो हमारा, ये देखिए पीछे की साइड है ना, ये वाले मैं उठाऊंगी। और इसको इस तरह से उठाने से ये होता है कि होल नहीं आता है हमारा। इस तरह से सारे फंदे उठा करके अपने सारे फंदे डाल लो, फिर दिखाती हूँ। फंदे डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह सारे फंदे डाल लिए, निडल आगे की साइड कर लोगे आप। आप जैसे आप स्वेटर बनाते हो उसी हिसाब से कैरिज का नंबर सेट करोगे। मैं अपनी वूल के हिसाब से 6.5 के बीच में मैंने किया हुआ है इसको। अब 2 सलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं डिजाइन डालूंगी, मतलब। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 5 1 2 3 4 5 5 निडल के बाद 6ठा फंदा निकाल के डालोगे आप। 5 5 निडल छोड़ छोड़ के फंदा निकाल के डाल दोगे। क्या आप इधर डाल दो या इधर डाल दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 निडल का गैप होना चाहिए, यानी कि 5 निडल मेरी आगे की साइड होंगी और 6ठी निडल पीछे की साइड होगी। इस तरह से करेंगे हम। इसी तरह से ये देखिए 5 5 निडल का गैप करते हुए मैं इस तरह से करती चली आई हूँ। अब आपको क्या करना है, 2 सलाई के बाद आपको फंदा बढ़ाना है। एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से आप करते चले आओगे। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अपना डिजाइन का भी। अब ये देखिए इसी हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना कि डिजाइन का ध्यान रखना है, तो फिर से हम 2 3 4 5 निडल का गैप करते फंदा इस तरह से, और इधर से भी। अभी इधर मेरा हुआ नहीं है तो हो जाएगा तब। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपना डिजाइन।
हर दो सिलाई के बाद फंदा बढ़ाना है दोनों साइड से। अब यहाँ पे देखिए हो गया ना, फंदे मेरे उसी हिसाब से हो गए कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बस इसी तरह से आप थोड़ी सिलाइयाँ, वो एक अंदाज़ा अपना हो जाता है कि घेर हमारा किस तरह से ये घेरा आ रहा है, ठीक है। फिर आपको लगने लगे कि हमारा घेरा कंप्लीट हो रहा है तो चार चार सिलाई के बाद भी कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए इस तरह से मैंने दो दो सिलाई के बाद किया है ना, और फिर आप चार चार सिलाई के बाद करोगे। घेरा हमें खुद ब खुद पता लगने लगता है किस तरह से हमारा आ रहा है। और यहाँ पे साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमने ये डिवाइड किया था ना, साथ ही साथ अपने वेट का भी ध्यान रखना है आपको, वरना साइड से फंदे निकल जाते हैं। अब ये देखिए फिर से यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच का गैप किया था ना। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है मेरा इस तरह से। यहाँ घेरा आपको देखना है, यहाँ मैं 110 फंदे तक करूँगी, ठीक है। जब मेरे 110 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं रोक दूँगी। स्टार्टिंग में हमने दो दो सिलाई की बात किया था, अब हम चार चार सिलाई की बात करेंगे, तो घेरा आपको कुछ समझ में आने लगता है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, अब ये देखिए 110 मेरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब ये घेरा जो है एज के हिसाब से काफ़ी है। अब हम यहाँ पे कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर जैसे बड़ा बच्चा है आपका तो उस हिसाब से आपका घेरा आप यहाँ से दिखाई देने लगता है कितनी घेरा आ चुका है। अब यहाँ पे प्लेन सिलाइयाँ चलाऊँगी, कितनी जितनी आपकी लंबाई होगी आप अपनी लंबाई जो है बच्चे की नाप लेंगे, और मेरे हिसाब से जो है इस मेजरमेंट के हिसाब से 60 सिलाइयाँ मैं प्लेन चलाऊँगी। उसमें ना तो मैं कहीं से कुछ बढ़ाऊँगी ना घटाऊँगी, सीधे प्लेन चलाती हूँ, चली आऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ। 60 सिलाइयाँ अब इसके ऊपर 60 सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं, प्लेन चलानी है, ना कोई फंदा बढ़ाया ना कोई घटाया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सारे फंदे उतार देने हैं। अब सारे फंदे उतार कर फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बनकर आया है। ये देखिए सारे फंदे उतार लिए मैंने और ये स्कर्ट बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी बनाएंगे, यानी कि दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, और इसको इस तरह से हम जॉइंट करके लास्टिक डाल देंगे। इसको साइड साइड में हम सिल लेंगे यहाँ से, और एक दूसरा साइड यहाँ से। अब यहाँ पे आप लेस लगा सकते हैं, लेस भी मैंने कई तरीके की चैनल में डाली हुई है, या आप क्रोशिया करना चाहें तो आप क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो फिर मैं करके फिर दिखाती हूँ आपको। स्कर्ट के दोनों पार्ट को मैंने सिल लिया है, लेस भी बना ली है, और फ्लावर आपको बताया हुआ है, आप अपनी तरह से जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहें इसको डेकोरेट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने देखिए फ्लावर लगाए हुए हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।